देखो, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, चाहे वह संसार वाली शिक्षा हो, स्कूल कॉलेज वाली, और चाहे वह अध्यात्म और धर्म की शिक्षा हो। दोनों शिक्षा का होना व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। तो भगवान ने शिक्षा ग्रहण की है, 64 दिनों में शास्त्र और शस्त्र विद्या से निपुण होकर के भगवान मथुरा वापस आए। और जब भगवान मथुरा वापस आए हैं, उस समय भगवान को मथुरा का राज्यपाट समर्पित कर दिया गया। मथुरा का राज्य भगवान ने संभालना शुरू किया। जब भगवान ने मथुरा का राज्य संभालना शुरू किया, उस समय मंत्री के रूप में विराजमान हुए श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी कौन है? देव गुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य हैं उद्धव, भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र हैं उद्धव, और मथुरा के मंत्री हैं उद्धव। और भागवत के दसम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में, 46वें अध्याय में 49 श्लोकों में, 47वें अध्याय में 69 श्लोकों में, 118 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रजयात्रा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं। आपको सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने खुद उद्धव जी को वृंदावन भेजा है। क्यों? उद्धव जी ने भगवान को रोते हुए देखा है मथुरा के छत पर। तो जब उद्धव जी पूछते हैं कि कृष्ण आप रो क्यों रहे हैं, पहले तो भगवान ने झूठ कहा कि मेरी आंख में कोई कचरा चला गया। लेकिन फिर भगवान ने बताया कि उद्धव जी, मुझे वृंदावन की और गोपियों की, मेरी मैया की, मेरे बाबा की, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। उद्धव जी आप मेरा एक काम करो। और भगवान उद्धव जी को ये काम देते हैं कि आप वृंदावन जाओ और जाकर के गोपियों को, यशोदा मैया को समझा। और भगवान ने उद्धव जी को समझाया कि मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसागता ये त्यक्त लोक धर्मांश मदर्थे तान विभर्महम। उन गोपियों ने अपना तन, अपना मन, अपना अपनी आत्मा, अपना जीवन सब मुझे सौंप दिया है, आप जाओ और गोपियों को समझा करके आओ। उद्धव जी ने भगवान की बात तो मान ली, समझाने के लिए गए, पर भगवान ने कह करके भेजा है कि आज जाओ कल आ जाना। अब जब उद्धव जी ब्रज पहुंचे और उद्धव जी ने जब गोपियों को समझाने की कोशिश की, तो गोपियों ने उल्टा उद्धव जी को समझा दिया। गोपियां क्या कह रही हैं कि उद्धव जी, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हांसी। आपकी स्थिति तो ऐसी लग रही है जैसे पानी में मछली रहती है उसके बाद भी प्यासी होती है, ये सुनकर के भी हंसी आती है कि पानी में होते हुए प्यासी। वैसे ही ब्रह्म के इतने पास, इतने नजदीक होने के बाद भी आप ब्रह्म को पहचान ना सके, आप ब्रह्म को जान ना सके। अरे उद्धव जी, मोती के पास होते हुए भी आप मोती की परख ना कर पाए, हीरा की परख ना कर पाए, ये गोपियां कहती हैं। अंत में गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, हमारा तो एक ही मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया है। उद्धव मन नाही दस बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उद्धव मन नाही दस बीस, हमारा एक मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया है। हमारे कोई 10-20 मन नहीं है जो हम यहाँ वहां सब में बांटते फिरें। एक मन था जो कृष्ण को दिया है, अब उसका कृष्ण के पास से आना कठिन है। अब वो मन कृष्ण के पास से लौट नहीं सकता, वापस नहीं आ सकता। उद्धव जी यही रहेगा कृष्ण के पास, इसलिए आप ये निर्गुण और सगुण ब्रह्म की बातें हमको मत बताइए। अब कृष्ण ब्रह्म है नहीं है हमको नहीं पता, हमारे लिए तो सब कुछ कृष्ण ही है, ऐसा भाव गोपियों ने उद्धव जी से कह दिया। तो जो उद्धव जी समझाने आए हैं उन्हीं को गोपियों ने समझाया। उद्धव जी ने ब्रज में रह करके गोपियों के भाव को देखा है भगवान के प्रति।
कि गोपियों का भाव कैसा, अनन्य भाव। और जो उद्धव जी समझाने आए थे वो उद्धव जी क्या कह रहे हैं, वो उद्धव जी कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणुम भीक्ष्ण शा तासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कह रहे हैं नंद बाबा के गांव अर्थात ब्रज की गोपियों की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि गोपिकाओं के चरणों से जो धूल निकल रही है उस धूल को माथे पे तिलक की तरह धारण करूं, गोपिकाओं के मुख से जो भक्ति गीत निकल रहे हैं उन भक्ति गीतों से पृथ्वी लोक तो पवित्र हो ही रहा है, वे भक्ति गीत पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और आकाश को भी पवित्र कर रहे हैं। और अंत में उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि इस दुनिया में मेरा फिर से जन्म हो तो मुझे ब्रह्मा, मुझे शंकर, मुझे नारद, मुझे विष्णु का पद नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहा मुझे नंद बाबा के गांव की गोपी बना देना। उद्धव जी से पूछा आप इतने ज्ञानी हैं, आप गमार गोपी बनना चाहते हैं, गौ सेवा करने वाली, गाय का गोबर साफ करने वाली गोपी बनना चाहते हैं? उद्धव जी बोले हाँ मैं गोपी बनना चाहता हूँ। गोपी बनने का कारण क्या? कहा गोपी बनने का कारण ये है, मैं गोपी इसलिए बनना चाहता हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जीवन भर राम 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 की माला जपते हैं, लेकिन अंत समय मुख आवत नाही, अंत समय राम शब्द का रा नहीं कह पाते और दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पर इन बिना पढ़ी लिखी गोपियों ने अपनी भक्ति और अपने प्रेम के माध्यम से भगवान को, ब्रह्म को जाना, ब्रह्म को पहचाना, और जाना पहचाना उसने ब्रह्म को पा लिया। तो यदि मेरा फिर से जन्म हो तो मुझे ना ब्रह्मा बनना है, ना शिव बनना है, ना विष्णु बनना है, ना नारद बनना है, ना देवता बनना है, ना स्वयं उद्धव बनना है। हे प्रभु मुझे नंद बाबा के गांव की गोपी बनाना, मैं जिसमें मैं भी अपने प्रेम से भगवत प्राप्ति कर सकूं। देखो उद्धव जी ज्ञानी है पर उद्धव जी के ज्ञान में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। और जब तक जीवन में सिर्फ ज्ञान होता है जीवन में रूखापन रहता है, नीरसता रहती है, कठोरता रहती है, लेकिन जब जीवन में ज्ञान के साथ भक्ति और प्रेम का प्रागट्य होता है तो जीवन में रस की वर्षा होने लगती है। भगवान जानते हैं उद्धव जी ज्ञानी हैं, लेकिन उद्धव जी के जीवन में प्रेम और भक्ति की कमी है, और प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को ब्रज भेजा। तो जो उद्धव जी दो दिन के लिए गए थे, भगवान ने उद्धव जी को कितने दिन के लिए भेजा था? दो, आज जाओ कल आ जाना। आपको पता है उद्धव जी 19 महीने ब्रज में निवास करते हैं। कितने दिन? 19 महीना, मतलब लगभग 1.5 वर्ष से अधिक समय उद्धव जी वृंदावन वास करते हैं। और फिर अचानक से जब याद आया तब उद्धव जी मथुरा पहुंचे, और जब मथुरा पहुंचे तो भगवान बैठे थे, मुस्कुराते हुए बोले अले अरे भैया उद्धव तुम तो बड़े जल्दी आ गए। तो उद्धव जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण आपने ही तो कहा था आज जाओ और कल आ जाना, तो मैं कल गया था और आज आ गया। भक्ति में इतनी शक्ति होती है, 19 महीने वृंदावन वास करने के बाद कह रहे आज गया कल गया था और आज आ गया, ये भक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है। तो देखिए उद्धव जी का चरित्र क्या है, जब भगवान अपने किसी ज्ञानी भक्त को, जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते तो उसको सुधारने के लिए अपने किसी प्रेमी भक्त के पास भेजते हैं। जैसे महान ज्ञानी उद्धव को ब्रज की ग्वालिन गोपियों के पास भेजा। और जो उद्धव जी अपना अहंकार लेकर के गए थे, भक्ति का अभिमान, ज्ञान का अभिमान लेकर के गए थे, जब वे उद्धव जी लौटे हैं तो भक्ति और प्रेम को लेकर के लौटे हैं।